राम राम जी सारे ने, कैसे हो आप सब? आप सबका अपने चैनल लाइफ ऑफ ऋतु में आप सभी का स्वागत है। और इस टाइम पे अमित जी हो लिए हैं तैयार दुकान पर जान खातर। और आज बिल्कुल देखो करना दो करना जमा सुसरे सुसरे कपड़े पहन कर नया बड़ा जींस वींस में जाने लग रहे हैं, क्योंकि आज नए कहीं बाहर भी जावेंगे इसी करके ना। जाए तो गाड़ी लेकर चले गए हैं ये दुकान पे। और मैं अपने जो है थोड़ा बहुत जो काम है वो कर लिया था मैंने, बर्तन वगैरह इकट्ठे करके ना रख दिए थे मैंने इस टाइम पे। और जो भी मैंने संगवाना था थोड़ा बहुत वो कर दिया है। और ये कपड़े मैंने दो रखे थे तो इनकी ये कुर्सी पे रखी थी तो वहाँ गंदे लग गए, इन भी मैं तय करके ना रख दूँ। तो इनकी जो है मैंने तय लगा दी थी, बे तो बाद में जो है प्रेस कर दूंगी इनके। लाइट आई पीछे भी लाइट को ना थी। और अभी जो है मैं कृष्ण ने लान लग रही हूँ, क्योंकि कृष्ण भी आए कई दिन हो गए थे। आप सब भी पूछो थे कृष्ण कहाँ है, आपके पास कृष्ण है या फिर आप कहीं चला गया है कृष, मतलब दे दिया है। तो मेरे पास ही है कृष, और ह्यूमन ने नहला दिया है, मतलब स्नान करवा दिया है कृष्ण ने। और अभी जो है इतना सुंदर बना दूंगी ना मैं, आप ना आप आगे व्लॉग में देखियो, क्योंकि आज है ना मैंने इसकी जो नई रजाई है ना वहाँ निकाल दी है। पहले तो दूसरी थी और अभी जो है वो थोड़ी गर्म चादर है तो वो निकाल दी थी मैंने इसकी, क्योंकि भाई जड्डा हो गया है, कृष्ण भी जड्डा लगा है इसी करके ना, तो वह निकाल दी थी मैंने। और अभी जो है कुर्सी वगैरह साफ कर दूंगी, लेकिन ये है ना मैंने एक दिन धोनी पड़ेंगी, क्योंकि इन पेन थोड़े दाग धब्बे से पड़ रहे हैं। अभी तो बस मैंने गीला कपड़ा के साथ में पोंछ दी थी, लेकिन है ना मेज भी, मेज के ऊपर मोम वगैरह पड़ रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर केक वगैरह कट कर रखे हैं ना, तो इसी करके ना तो ये भी गंदा हो रहा है, ये भी एक दिन मैंने धोना पड़ेगा। और अम्मी जी सब्जी लेके आए थे तो अभी मैं सब्जी रख दूंगी, नहीं तो पन्नी में तो वह खराब हो जाएगी। और बर्तन थे माँ, पहले बर्तन जचा दूँ, झाड़ू कर दी मैं, रुक गई थी मैं, खा रसोई का कर लूँ, पहले बर्तन जचा दूंगी उसके बाद में जो है झाड़ू निकाल दूंगी। और अभी जो है झाड़ू निकालने का काम है जो वो कर लूंगी मैं फटाफट तय। और आज है ना मैं इतनी बाजम बाजम में काम करने लग रही हूँ, इतनी बाजम बाजम में काम करने लग रही हूँ। 1 घंटा मैंने सारा काम कर लिया, सारा घर का। 1 घंटा के भी आधा घंटा लग गया होगा या फिर पौना घंटा लग गया होगा, क्योंकि है ना अम्मी जी मैंने बकाया रहे थे सवेरे के तोड़ी काम करे तोड़ी काम कर ले, जाना है कि जाना है कि जाता मैं जमा बाज में उठ दे लगी थी काम कर खातर। आज तो 1 घंटा पहले उठी थी मैं। और जो बर्तन है वह भी मैं धो दूंगी फटाफट है। देखो कितनी जम जमान इतनी स्पीड में लग रही थी मैं आज काम करने खातर। और जो यू है साफ भी कर दिया है मैंने। और मैं पानी पौधा था सुबेरे सुबेरे मैं पानी दे दिया करूँ तो अभी पौधा था मेरे प्यारे प्यारे पौधे हैं जो हरे भरे हो जाएंगे, पानी दे दूँ इनते। कोई बात नहीं, मम्मी फिर कभी आ जाएंगे, अभी की बार तो रहने दे, तो चलो कोई बात नहीं भी आप फिर आ जाइयो। और जो दीदी के पास में फोन मैंने कर रखा है, जो दीदी का भी कोई जवाब नहीं आया है। और बे क्यों गुस्सा उठाया मैंने, ठीक है नहीं, पहले तो बोली है कि जो सड़ सड़ काम कर ले, सड़ सड़ सड़े 9 बजे तो अपन घर तक लकड़ जाना है, जो मैं मान लेन जाना है। अरे तू लेके आओगे उसने, तेरे पे आओगे, हमारे पे को नहीं आवे है। और फिर फोन आया था उनका, नाइट के रहने दे तो हमारे मामे ले आवेंगे, तू के करेगी जाके तेरे को नहीं आई, मार पाओगा मामने मैंने लिया वो तो जाते ही मैं जाऊँ। देखो इत तो कहना 9 बजे हैं और 9:30 बजे तक तो मैं पूरी तैयार हो जाऊंगी है, उन्होंने मना कर दिया है, एकदम तो मूड ऑफ कर दिया मेरा, अच्छी बात नहीं है। बाकी आपकी ये एक बार कह दो ना, हर बार का काम है इनका, मैं तो कह के जाऊँगी ना, और फिर थोड़ी बार में फिर फोन आऊंगा ना तो ना कौन जाना, हमारा काम चल गया, ठीक है कोई बात नहीं, मेरा मूड ऑफ कर दिया मैंने। और काम तो बन गया है मेरा सारा, आज के व्लॉग में ना अपने मेनू दिखाऊंगी कि जो मेरे मायके वाले हैं ना उन्होंने मतलब शादी में केक के दिया था मेरे तय, क्योंकि आपके काफ़ी सारे कमेंट आते रहे हैं। एक तो वॉशिंग मशीन वाला आता रहा कि आप वॉशिंग मशीन नहीं लेके आए कि आप शादी हुई थी, तो इसे से आते रहे और भी कहते हैं कि मतलब वॉशिंग मशीन ले आओ, तो है ना मैं लेके आवाँगे, मतलब मेरी कमाई तो ही लेके आऊँगी, मेरी सैलरी आने दो, फिर उसके बाद मैं दो बैठाऊंगी अम्मी जी घंटा मैं लेके आऊँगी बढ़िया वाली वॉशिंग मशीन। और अभी तक सैलरी मेरी आई नहीं है तो आ जाएगी तब हम लेके आएंगे, ठीक है। और वॉशिंग मशीन मैं नहीं लेके आई थी मेरी शादी में, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं केक लेके आ रही हूँ, ठीक है। तो शुरू करूँ, सबसे पहले तो रे आ जाओ, ए तो मेज। और एंड बाकी मैं ना आपको मेरे ससुराल वालों के बारे में कुछ बताऊंगी आज, मैं मेरे ससुराल वालों की आज मैं सच्चाई बताऊंगी वीडियो में आगे, थोड़ी लास्ट में बताऊंगी, पहले जो मैं सामान लेके आई थी ना वो देख लो, ठीक है।
और एक तो ये लेके आई थी, मेज रखा है यहाँ पे, और ये चार चेयर लेके आई थी, कुर्सी लेके आई थी। तो एक तो मैंने धर दिया क्योंकि एक की जगह बनी, देखो पुरानी जगह बन जाता, वहाँ मैंने धर रखी है। तो ये हो गया मेज और कुर्सी, और जो दूसरा नंबर पर आया है वो आ गया बेड। चलो अपने पुराने जाकर मैं दिखा दूँ, अच्छे तरह दिखेगा, कुकर के है मेरा बेड भी। तो देखो ये बेड है मेरा, ये बेड लेके आई थी मैं, इसमें जितना भी सामान था वो लेके आई थी। तो ये देखो बेड का मेरा जो ये क्या है सिराना, हाँ ये सिराना है, यहाँ पे इस तरह का डिजाइन है कुछ, और ये बन रहे हैं फ्लावर से। और ये देखो वो आया था ना नीचे नीचे बेड, और वो बहुत बढ़िया भी लगा, उन्हें मत है मेरा ये बेड नीचे नीचा है, बड़ा ऊंचा को नहीं, वीडियो में दिखता होगा बाकी इतना ऊंचा को नहीं, देखो नीचा है। और ये साइड में जो है ना यहाँ से लेप सी लाइन की है, अलग था या निकल रही है इसमें, और इस पर ना बहुत काम आ रहा है, कोई बर्तन वगैरह रखने रहे सुबह सुबह चापे को उठा तो जाना नहीं, तो उन्हें दर्द देना, फोन वगैरह आपने दर करना सोना हो तो वह अभी उन्हें दर दिया तेरा फोन भी। और यहाँ पर कुछ इस तरह का डिजाइन है नीचे साइड में, और बाकी कलर आपने दिखता ही होगा, मिलते जुलते कलर है मेरी अलमारी का और मेरा बेड का, और कुर्सी मेज का भी इसका ही रंग है, और यह मेरी अलमारी है। यार देखो काठ की अलमारी है मेरी, और बहुत ही बढ़िया अर्जमा एंडी अलमारी दे रखी है मेरे पापा ने। तो इसे मतलब ड्रेसिंग टेबल अलग तय ही को नहीं दिया, इसे मैं ड्रेसिंग टेबल का जो सारा वो है, क्योंकि देखो ये अलमारी वाला हिस्सा हो गया, और यहाँ पे दराज है ये रहा, और नीचे मतलब कोई भी सामान रखना हो मेकअप वगैरह का, सारा शैम्पू तेल वगैरह इसे मतलब रखे हैं मैंने, और मतलब यो ड्रेसिंग टेबल लगा ली, उराना ड्रेसिंग टेबल है या अलमारी उराना ली, तो उसमें भी मैंने अपना सामान जो हो जो जाकर अंदर रखा है नीचे, ये ऊपर तो ये रख रखे हैं मेरे मेकअप वगैरह और कंघे से, और ये तेल लोशन वगैरह ये रख रखे हैं, और यहाँ पे मेरी मतलब ये डब्बे में गाल के अंदर रखे, मतलब लिपस्टिक है इसमें मतलब, और नेल पेंट है, और ये मेरी ज्वेलरी एक बॉक्स में मैंने ज्वेलरी डाल के अंदर रखी है, और ये मैंने पेस्ट बना रखा है खुद है मुल्तानी का, और मुल्तानी है अभी है मुल्तानी है अभी रोज वाटर, हाँ गुलाब जल है बस, तो इन्हें पेस्ट है इसने बना कर अंदर रखा मैंने अपने मुंह पर लगा लिया, सूख जाए 15-10 मिनट इसने मतलब इसके सूखे पाछे अच्छी तरह हुआ डसा हो जाओ ना, तब फिर मुंह धो लिया करूँ मैं, तो ये लगाया करूँ, और देखो कितना अच्छा लगा मैंने सारे जचा रखेंगे, और नीचे मतलब जो सूट मैंने सिलने हैं वो तो पीछे रख रखे हैं, और यहाँ पापा जी ये कपड़े रख रखे हमने प्रेस करके, और यह हमारी अलमारी है इसमें मैंने मेरे कपड़े रख रखे हैं, तो इस तरह का कुछ अलमारी है यहाँ ऊपर लग रहा है, इवन मैंने जचाई को नहीं अलमारी, मैं सोचू हूँ कि है ना यहाँ पे है ना, जो यहाँ पे मैं लेकर नहीं आई थी, हैंगर से लेके आई थी कपड़े टांगने के, तो वह लटका दूंगी मैं, मेरे सूट टांग दूंगी उनमें मैं। और एक सामान रह गया है मेरा, वो आप सबने मैं ऊपर जाकर दिखा दूं क्योंकि वो ऊपर ही दरिया है, अरे यहाँ रोड पे इतने साधन चल रहे हैं नरा खुड़का, इतना खुड़का करे जाओ है जमा एंडी गांव लकड़ रहा है, ऐसा जी करो ऊपर बैठ जाओ कुर्सी ले कर, लेकिन ठंडी ठंडी हवा चलने लग रही आड़े, तो ऊपर वाला रूम में आ गए हाँ, तो यार एक या वाली पेटी है जो एक या लेके आई थी मैं, और ये देखो ऊपर कमरा का हाल, ये सारा सामान जिनका यो घर है उनका है। तो बस मैं जो है यो सामान लेके आई थी, और बाकी का जो घर के दिया करें मतलब सूट वगैरह हो जाकर बर्तन होया करें तो मैं लेके आई थी, और ये हमारे लड्डू गोपाल देखो कैसे बैठे हैं, आज मैंने इसकी रजाई निकाल दी क्योंकि सर्दी होने लगी ना इसी करके, ना ये देखो लड्डू की रजाई कितनी अच्छी है ना ब्लू कलर की, और ये देखो मैंने कुकर बिठा रखा है कृष्णा क्रिश क्रिश नाम है इसका क्रिश, राम राम कर दो सारे, राम राम करें सारे, ले ले लड्डू ले ली लड्डू ना आपकी राम राम, और यार देखो रजाई कितनी प्यारी है ना सॉफ्ट सॉफ्ट सी है बिल्कुल, टोपी मैंने उड़ा को रखी क्योंकि ना टोपी उड़ाऊ ना तो यानी चीज जावा है देखियो जिसे दिए कौन, क्योंकि अभी मेरा लड्डू बिल्कुल छोटू सा है छोटू सा लड्डू, और बैठा कर मैंने रजाई उड़ा दी है मुखा जड्डा नहीं लग जावा कृष्ण इसी करके। और अभी टाइम आ गया मेरे ससुराल के बारे में बताने का कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं, मेरे ससुराल वाले की सच्चाई हर एक इंसान के बारे में बताऊंगी अमित जी से लेकर दीदी और तक, क्योंकि मेरी फैमिली में यही है अमित जी हैं दीदी और हैं इसी करके ना। चलो अभी मैं बताना शुरू करूंगी आप एक मिनट में बेड पे बैठ जाऊँ क्योंकि केवल घड़ी लंबी बात चल जाए, तो इसी करके बातें शुरू करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूँ कि है ना कल वाले व्लॉग है ना मैंने इतनी जल्दी जल्दी तो एडिटिंग करी थी, इतनी मतलब जो मानू बाद में सारा काम करा था मैंने, तो कल है ना मैं वीडियो में बोलना या बताना भूल गई थी, तो आज मैं बोल देती हूँ वीडियो में क्योंकि उन्होंने स्पेशल बोला था कि मतलब वीडियो में हमारा नाम लियो, तो पिकू दैया के नाम से जो कमेंट है ना वो आते हैं, तो 12 तारीख की उनकी एनिवर्सरी थी जो कल वाले व्लॉग उसमें मेरे ध्यान को नहीं रही थी, इन आज वाले व्लॉग में मैं आपका नाम ले लूंगी, तो
पिक्कू दैया के नाम से जो आईडी है वो है, और कल उनकी एनिवर्सरी थी, तो आपको हैप्पी एनिवर्सरी मेरी तरफ से, और आपकी सुखभरी जिंदगी बीते हमेशा, और आपका जो साथ है वो हमेशा ऐसे ही बना रहे। और एक मेरे भाई भाभी हैं इगरा, तो उनकी भी एनिवर्सरी थी, मैं उनका वो एक मिनट बराबर मोलू, बराबर मैं फोटो लगा दूंगी। तो हैप्पी एनिवर्सरी भैया भाभी, आप हमेशा खुश रहो, आपकी भी जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनी रहे, सही सलामत रह जावे, और ढेरों सारी खुशियां आवे। अरे तो आप मेंबर बन गए हो, पार्टी लेने आऊंगी, वहां भी आपका तैयार रही हो, ठीक है। और जो थर्ड नंबर पे है वो मेरी फ्रेंड है जिसका बर्थडे था, तो सब बराबर फोटो लगा दिया है, तो हैप्पी बर्थडे डियर फ्रेंड। तो उतने साल जीवित जितने साल भगवान ने तेरी जिंदगी में लिख रखे, ठीक है। तो मैं हमेशा खुश रहे, तू जो तेरा अचीवमेंट है लाइफ में, एम है उसने, तू जल्दी से जल्दी हासिल हो जाओ, तेरे वो पाले हुए तू, ठीक है। तो हमेशा खुश रहे, और अपनी फैमिली ने जो उसने भी खुश रखा है, तो बस यही थे। तो अभी जो है मैं अपने ससुराल के बारे में बताना शुरू करती हूँ आप सभी को। अपने जो ससुराल वालों की सच्चाई है आज मैं वो सामने लेकर ही आऊंगी। तो सुन दे रही हो और जमा आखिर तक बने रही हो, ठीक है। आज मैं सबकी सच्चाई बताऊंगी, कौन अच्छा है कौन गुंडा है। तो सबसे पहला जो है पापा जी, तो शुरुआत करेंगे, घर के बड़े हैं तो बताती हूँ मैं उनके बारे में। पापा जी जो है बिल्कुल सिंपल से आदमी है, किसी से कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, अपने उसमें चूर रहे जावे हैं, और समाज के बारे में इतनी नॉलेज कोनी, मतलब थोड़े भोले ढोले से ही है, इतना ज्ञान कोनी पापा जी ने। और दूसरे नंबर पे है जो सीमा दीदी, सीमा दीदी के बारे में बताऊं क्योंकि दूसरे नंबर पे सीमा दीदी आ जावे हैं। और सीमा दीदी के बारे में तो के कहूँ, जितना बोलूंगी उतना ही कम है सीमा दीदी के बारे में, तो जितनी लव्स मैं बोलूंगी दीदी के बारे में उतने कम है, जमाए कम है। दीदी आप है सच में इतने अच्छे हो, इतने अच्छे हो, बहुत 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 गणे अच्छे हो आप, है ना, दुनिया की सबसे 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 प्यारी ननद हो। क्योंकि है ना देखो दीदी, हमारे लिए बहुत बहुत गणा कुछ कर रहे हैं, छोटी छोटी जो टेंशन भी आवे ना हमारे घर में, तो वो भी दीदी नु बोल। क्या कर रहे हो ऐसे? ध्यान दे रहा हूँ दिया। फेम खान, मैं किसी के बारे में दो शब्द बोल रही थी, अभी जमाए। मेरे बारे में तो नहीं बोल रही थी। आपके बारे में नहीं, मैं सीमा दीदी के बारे में बोल रही थी। आज मैं मेरे ससुराल वाले की सारी पोल खोल दूंगी। जाए तो बैठी हो रहा है। हाँ हमारे पलक था मेरे, देखो पलक थी मैं भी हूँ। हाँ जाए तो बैठी हूँ, काम तो मेरा बढ़ गया। उनका थोड़े बोझे शब्द वो बोल दूँ, सच में एक भी चलो सीमा दीदी के बारे में थोड़े बाद में बोलूंगी, मम्मी जाएगी तो जी के बारे में बोल दूँ। आज इधर आ जाओ, नमलर कॉफी का डब्बा दे देता हूँ मैं। कॉफी दूध चढ़ाए कह रहे हैं दुकान पर, कॉफी का डब्बा लेना है। बाकी सब बहुत अच्छे हो। गुड, मेरे लाइफ पार्टनर बहुत ही अच्छे हैं, सच में। बकाओ है अच्छा को नहीं ना रैंडो, सच में वो तो मन्ना भी रहा है ना, मैं आपके साथ में रहूंगी। मेरे मुंह से जो एक भी बात लकड़ गई ना, चाहे भूल के लकड़ी हो, वही ना पूरी करनी है, एक आखिर वो मकसद बन जाए पूरा करना है। नहीं इसे पति भाग्य आने मिले अगर ऊपर दंगे दराज में। हाँ जमा हाउ रे बीच में, अरे आप लोग मेरा दिल ना तोड़ा करो। पड़ेगा जो चलो जाओ कॉफी का डब्बा दे जाओ, मेरे को माल बहुत सीरियस हो रही हूँ। तो बीच में अमित जी आए थे, इन्हें डिस्टर्ब कर दी मैं, लेकिन कोई बात नहीं। बाकी आज मैं बहुत गनी खुश हो रही हूँ, बहुत 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 गनी, क्योंकि हमारे घर में मना हुआ नहीं, क्या होगा वो अपने अगला व्लॉग में पता ही चल जाएगा। हाँ फिर क्यों ऐसे ना फोड़ो हो, दरवाजा बंद कर दो प्लीज। हाँ दोनों में लेके जाओ, तो यो तो कल तो होगा। अच्छा ठीक है, तो सीमा दीदी के बारे में बोल लेती हूँ मैं, बीच में आकर डिस्टर्ब कर दिया मैंने। हमारे ऊपर कोई भी छोटी मोटी दिक्कत आवे है ना, हमारे परिवार के ऊपर टेंशन बाजी आ जावे है, तो सीमा दीदी बोल दिया कर, तमने एक बार बता दिया करो, फिर तम टेंशन फ्री हो जाया करो। मैं हूं नहीं, मेरा होंदे तम फिक्र क्यों करो, किस बात की फिक्र ले हो तम, किस बात की टेंशन ले हो मेरे होंदे हुए। तो मतलब इतनी अच्छी है, और सासू मम्मी की तरह ही है बिल्कुल, और मैं दीदी की सच में बहुत रिस्पेक्ट करूँ हूँ,
और मैं भी नुए चाहूँ तब दीदी और यहाँ पावन है तो किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना हो है दीदी ने, मैं भी इसी तरह ही मतलब रहूँ हूँ, सारे डालूँ बात करा हाँ चीत करा हाँ तो नुए, और सास मम्मी की तरह ही मैंने मतलब डांटना हो ना, जिस बात पर डांटना हो उस बात पर डांट भी दे मैं, और जिस बात पर प्यार तब बोलना हो हंसी मजाक करना हो तब नुए चल रहे हैं, तो सच में बहुत ही अच्छी है दीदी। मैं नुए चाहूंगी कि जो टेंस बात चल रही है ना वो छुमंतर हो जावे, जो मैं छुमंतर हो जावे जड़े तो मिट जावे सारे की सारे, अटके आवे नहीं बस। और बस आपकी जो फैमिली है वो हमेशा खुश रहे और कितनी भी जल्दी तक ठीक हो जाए, फटाक दसी जमा चबर चबर बोलने लग जावे, इतना बोलने लग जावे आप बिनो को थम जा रही है थम जा तू मैं तो बोल रही इतना इतना बोलने लग जावे। और बस मैं कहना चाहूंगी दीदी, और जब दीदी के बारे में भी क्या बोलूँ, वो भी दीदी बहुत 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 अच्छी है, कभी मतलब डांट देनी और प्यार से हमेशा रवे हैं, और थोड़ा बहुत ऐसी मजाक तुम्हारा चल रहा है, और फिक्र भी बहुत करें कि दवाई टाइम पर लिया कर, अपना जो ख्याल है वो को नहीं रख दी, टाइम पे सारे काम करया कर, इतने सारे फिक्र ऊपर बर्डन पड़ जा रहा है काम का, तो अपने टाइम टू टाइम जो काम है ना वो कर दी रहा कर, तो काफ़ी सारी मेरी जो चिंता है वो रखे हैं दोनों दीदी। और फिर अमित जी का बार मैंने सुने लिया हुआ बारे में, देखो मैं तो इतनी तारीफ करूँ थी और फिर तो मैं झूठ बोला बाकी सच में बहुत ही अच्छे हैं और बहुत मजाकिया इंसान है, मतलब सीरियस को नहीं रहने देने बिल्कुल भी, बात है ना इसी कह जाएंगे कि खुद तो आशा को नहीं है, जो बात सुनना है ना उसकी आशी कौन डटे इसी बात कह जाएंगे। और देखो ये आपने देखा है खुद तो आशा कौन थे और मैंने ऐसा आगे आपने ऐसा आगे मेरा खून बटागे कि मैं दोहर की मैं आपका बटागे, तो ये इसे हैं। और मेरी फैमिली के बारे में आपने एक और अच्छी बात बता दूँ मैं, जो मैंने इतनी अच्छी लगी जो मैं शुरू दिन तेरी वह बात है ना जो मैंने टच कर लिया दिल ने, पता है क्या कि तब मेरी शादी हुई थी ना तो सीमा दीदी और की जो फैमिली है मतलब इनकी जो फैमिली है तो इन्होंने बोल दिया था कि मामे तो कुछ भी ना तो लेंदे, मतलब कोई भी सामान वगैरह वगैरह दिया करे पापा जी, वरना मेरे को बहुत सारा सामान देते पापा जी, वो तो सीमा दीदी और ने मना कर दिया था कि हम कुछ भी को नहीं लेंगे आप तो कुछ भी, मम्मी सिर्फ एक रुपया लेंगे शादी वगैरह सगाई वगैरह मम्मी वाह करांगे, सिर्फ हमने छोरी छोरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए ना सामान चाहिए है, मामी खुद है ना खुद कमावांगे और खुद मामी लेके आवांगे बस हमने कुछ नहीं चाहिए, तो फिर भी बस धक्का करके पापा जी ने थोड़ा बहुत जो सामान है ना अपनी खुशी खातर दे दिया। देखो अब लड़का है, लड़का तो पूरी उम्र होगा, पूरी उम्र इतने नौकरी नहीं लग जाता, देखो इतने तो पापा है जो कमा कर दिया करे, अब छोरा था भी और पढ़ावा भी है आगे भी पढ़ाऊंगे, जैसे मेरी शादी होगी अब मतलब मेरा जो खर्चा होती यहीं पर चलेगा ना, अमित जी उठा रही है मेरा खर्चा, तो लेकिन शादी से पहले तो पापा जी जो खर्चा कर रहे थे वो कर रहे थे मेरे ऊपर, तो पता है लड़की मतलब नुका देवे दहेज दे दिया, लेकिन दहेज को नहीं होना, दहेज वो है जो लड़का वाली मांगा है फैमिली पे, वो दहेज कहा जाएगा कि लड़के वाले कोई भी डिमांड कर देवे वो दहेज हुआ है, जो खुद अपनी मन मर्जी तय माँ बाप देवे ना वो दहेज नहीं होता, वो प्यार हुआ है, देखो सारी उम्र छोरी और खर्चा को नहीं करवा छोरा करवाओ, सारी उम्र ही करवाओ यार छोरी नहीं करवाओगी, छोरी बस अभी जो शादी में जो सामान दिया वो अपनी खुशी तो दिया अपने प्यार तो दिया है कि माई लड़की माम देवांगी, तो ये दहेज नहीं होता प्यार हुआ है ठीक है, तो बस ये सामान दिया था और कुछ नहीं तो दे तो बहुत गणा देवर बहुत गणा दे देवर, लेकिन दीदी ने मना कर दिया था, तो यह बात मेरा दिल ने बहुत गणी छूगी सच मैन, कि ऐसी ऐसी जो ससुराल है ना वो किस्मत आया ना मिला करे, जम्मा किस्मत आया ना सच में, मेरे तो भाग जागे इसी इसी ससुराल पाके ऐसे ऐसे हस्बैंड पाके, ननन तो इतनी अच्छी है जितने भी शब्द बोली ना वो कम है सच में, और ये मैं इमोशनल हो जाऊंगी कुछ ज़्यादा मैं बोलूँ नहीं फिर मैंने याद आने लग जाएगी दीदी और की ऐसा पानी वाली है, तो सच में मैं बहुत ही भाग्यशाली लेडी हूँ भाग्यशाली औरत हूँ जो मैंने ऐसा परिवार पाया है आगे, और उम्मीद करूँ जो मेरी जैसी छोरी है ना अच्छी है तो उन्हें भी सही ससुराल पाओ है, क्योंकि मैं भी थोड़ी बहुत मेरी भी तारीफ कर दी कोई बात नहीं, मैंने भी ना आज तक किसी कि मैं गलत को नहीं करा सच में, मैं खुद इतनी डरपोक सी होने में कि मैं गलत कर ही नहीं सकती किसी का, मैंने खुद डर लगा किसी का गलत कर दिया नहीं, तो मैं इसी छोरी को नहीं मैं भी नया करूँ भी बहुत भाग्यशाली हो मेरी भोप आएगी आपने, हाँ तो एक आदि बहन तो मेरी तारीफ करें नहीं कर दे बिना कहे तो जिंदगी हो, हाँ एक आदि बहन चलो कोई बात नहीं लेकिन बिना कहे तारीफ को नहीं करें, लेकिन सीमा दीदी राम तब मैं ये तारीफ करा करें कि हाँ अच्छी है सारा काम करे है तो सारे गन्ने से हमारे टाइम टू टाइम जो भी काम है उन्होंने पाया है काफी अच्छी है, तो सीमा दीदी और के पास में तारीफ कर दे है, नहीं मेरे दौरे मेरी तारीफ कर दे ऐसा तो कर दे भी नहीं हो सकता मैं खुद पूछूंगी मैं दो लाइन मेरे बारे में भी बोल दे मैं आपकी सारी तारीफ कर दी रहूँ फिर भी हाँ ठीक है अच्छी है बहुत बढ़िया है काम चल रहा है बस इसी से बात कह देंगे लेकिन कोई बात नहीं तो मैंने मेरा नहीं दिल में किया है मेरे खातर बहुत इज्जत करे है मेरी, और तो बस जी ये थी मेरे परिवार की सच्चाई, तो चलो जी फिर अब इस व्लॉग का कर दे हमारे एंड, बिना कि आप सब नए कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में, मेरी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बात पसंद आई हो तो वीडियो ने शेयर कर दियो कमेंट भी कर जाइयो सारे के सारे, चैनल पर जो नए हैं प्लीज वो भी चैनल सब्सक्राइब कर जाइयो, ओके जी फिर बाय बाय टाटा टेक केयर।